गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, संख्या पद्धति क्या होती है? ठीक है, संख्या पद्धति के बारे में बात कर लेंगे। ये नंबर सिस्टम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, और ये पार्ट टू है। इसके पहले भी मैंने आपको वीडियो में पार्ट वन में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है, जो कि बेसिक है। और आज हम डायरेक्टली क्वेश्चंस की बात करेंगे। तीन क्वेश्चन है हमारे पास और तीनों क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। इससे पहले मैं बता दूँ कि आपको यदि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड क्यूज़ खेलनी है, मतलब क्यूज़ मतलब होता है कि कोई भी यदि प्रैक्टिस करनी है आपको, तो आप क्यूज़गढ़ नामक चैनल, मेरे हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप क्यूज़गढ़ नामक चैनल है, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्यूज़गढ़, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, वहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये तो बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो बात करें कि वीडियो की, तो क्वेश्चन हमारा है पार्ट टू में पर संख्या पद्धति का। और इससे क्वेश्चन जो बता लूँ कि कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ठीक है ना, 2 से 3 नंबर का, कितने नंबर का? 2 से 3। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तथा छोटी सी छोटी संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो बड़ी सी बड़ी संख्या कितनी हो गई? 9999। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो 1000 छोटी छोटी संख्या होगी। ठीक है, इसको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? तो इसमें कुछ कठिन सवाल नहीं है, बस आपको ये जानना है कि जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वो 9999 होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं बड़ी संख्या लिख रहा हूँ, बड़ी संख्या है। ठीक है, और जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो होती है 1000। ठीक है, तो ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, इसको आपको जोड़ देना है। तो सिंपल है, 9 9 9 और ये 10। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में। आपको क्वेश्चन तो आसान लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो दोस्तों और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आसान भी है। आगे क्वेश्चन मैं जो आपको बताने वाला हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको ध्यान से उसमें देखना है कि कैसे क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ गया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसमें लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग 79 मतलब 79 है, यदि उन दोनों संख्याओं का अंतर 23 है तो वह संख्या बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन लेखपाल, यूपी पुलिस, आरआरबी और उसके साथ साथ यूपी एसआई में भी पूछा गया क्वेश्चन है 2013-2014 में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, पहले आपको हल लेना है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें बोला है कि किन्हीं दो संख्याओं का योग, मतलब अगर पहली संख्या हम मान लें, ठीक है, अगर हम पहली संख्या मान लें, तो अगर मान लें कि वह संख्या कौन सी है, माना वह संख्या क्या है? x। ठीक है, x मान लीजिए, y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो x मानते हैं तो अच्छा ही रहेगा, x और तथा y है। क्यों? क्योंकि ये दो संख्याओं की बात करी गई है ना, यहाँ पर क्या लिखा है? दो संख्या। ठीक है, x था, वाई। ठीक है ना, अब बात कर लें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का अंतर 23 है और योग 79, मतलब x प्लस वाई इज्कवल टू 79 और x माइनस वाई इज्कवल टू 23। ठीक है, तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 बन गया। ठीक है, ठीक है ना, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे सॉल्व करने के लिए देखिए, देखते रहिए वीडियो को। आगे सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा आपको कि समीकरण इसमें क्या बोला है कि इन दोनों को हल करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे ये देखिए, इसको आपको यहीं पे हल कर लीजिए, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, यहाँ पे हल कर लीजिए आप, बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसी की चीज़ को मैं आपको यहाँ लिखूँगा, फिर उसको हल करूँगा, सिंपल वही बात आएगी। ठीक है, आपको यही हल कर लेना है। और इसमें क्या करेंगे आप, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स, ये जो माइनस है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस कट जाएगा और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना, 102। ठीक है, अब 102 आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 102, तो x इक्वल टू सॉरी 102, ठीक है, तो 102 बटा 2। ठीक है, तो 2 5 10, 2 1 2, मतलब 51 आ गया। ठीक है ना, क्या आया? 51। ठीक है, 51 आ गया आपका। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर आपने मान निकाल लिया और मान कितना है आपका 51, ठीक है, कितना आया 51। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, ये आपका क्या मान निकल गया x का, ठीक है। तो x का मान समीकरण एक में रखने पर रखना है, तो x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई, ठीक है, इस पे आपको रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि x का मान आपका 51 है, ठीक है, और प्लस y का मान है, ठीक है, देखिए तो आपका समीकरण हो गया। इसके आगे आपको क्या लिख देना है, 79, ठीक है, बस। तो बस लग गया। अब आपको क्या करना है कि y का मान निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, 79 माइनस 51 इक्वल टू 28, ठीक है। तो x का मान क्या हो गया 51, ठीक है, और y का मान क्या होगा 28, ठीक है। तो आपको ये दोनों मान निकल गए, ठीक है, x का मान 51 और y का मान 28। कैसे निकला एक बार मैं दोबारा आपको वीडियो समझा देता हूँ, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ था कि किसी दो संख्याओं का योग 79 है और उनका अंतर 23 है दोनों संख्याओं का, ठीक है। तो उनकी संख्या का x था, मान लेंगे x था y है, दूसरी दो संख्या है, ठीक है, और दोनों को समीकरण बनाएंगे, x प्लस वाई 79 पहला समीकरण, ये योग है, ठीक है, ये योग है और ये अंतर है, अंतर मतलब घटाना होता है, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल टू 79, x माइनस वाई इक्वल टू 23, समीकरण वन समीकरण टू बन गया, ठीक है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस कट जाएगा, वाई 2x हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ेंगे 102 आ जाएगा, ठीक है। तो 2x इक्वल टू 102, तो x इक्वल टू 102 बटा 2 मतलब 51, ठीक है, 2 बचे 10 तो 91, बट गया। अब आपका x का मान निकल गया, ठीक है, ये किसका मान है, x का, ठीक है। अब y का मान निकालना है, तो x प्लस y का मान आपको समीकरण वन में रख देना है, ठीक है, क्योंकि आपको y का मान निकालना है, x का मान निकल गया है, ठीक है, और यहाँ पर y कट चुकी है इसलिए यहाँ पर आप नहीं रख सकते हो, ठीक है। चलिए अब किसको क्या करना है कि x प्लस वाई में आपको मान को रखना है, तो x का मान 51 है, y का मान आपको निकालना है, और ये इक्वल टू 79 है, ये वहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना है कि y का मान निकाला था तो उसके बाद आपको 79 यहाँ है, तो आप अगर इसको इधर करोगे, ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करते ही आपका 28 आंसर आ जाएगा, ठीक है, मतलब y इक्वल टू 28 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 51, y इक्वल टू 28, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन की बात करेंगे हम। लास्ट और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि प्रथम 40 प्रकृत संख्याओं का योग कितना है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और ये UPSI और यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, 2017 और 2013 में, ठीक है ना। अब चलिए बात कर लें कि इन संख्या पद्धति, जैसा कि मैंने बताया था कि 2 से 3 या 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं सिंपल तरीके से, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है कि n, तो n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा है कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है, तो ये आपका योग का फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको आपको याद कर लेना है, ठीक है, बस सिंपल है, फॉर्मूला मैंने बता दिया। तो n आपको यही मानना है, n यहाँ पे 40 रख देना है, फिर कोष्ठक में 40 बटा 1, ठीक है, बटा 2, ठीक, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो 40 गुणे, यहाँ पे कुछ का चिन्ह नहीं है तो गुणा का होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 41 बाई 2, ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को गुणा करके भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, या तो पहले डिवाइड कर लोगे, ठीक है। जब आप डिवाइड करोगे ना तो पता है कितना आंसर आ जाएगा, अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 820, ठीक है, 820। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आ रहा है तो उससे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर आपने इसको कैसे डिवाइड किया। तरीका बता देता हूँ, 41 को 40 में गुणा करना है, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ। या तो आप पहले इसको कर लो, या तो इन दोनों को गुणा करके इनको डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइड मतलब भाग कर दो, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और क्विज़गढ़ चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, और जिस यूट्यूब चैनल पर आप इस क्लास को देख रहे हैं उसका नाम है एग्ज़ाम कुंड, ठीक है। तो एग्ज़ाम कुंड को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, यहाँ पर एग्ज़ाम कुंड नाम क्यों रखा गया ये जान लीजिए, ठीक है, एग्ज़ाम कुंड, ठीक है। एग्ज़ाम कुंड नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि एग्ज़ाम तो परीक्षा होती है, और कुंड मतलब होता है कि वहाँ पर परीक्षाओं का कुंड है, मतलब इस तरीके से आप परीक्षा को सॉल्व करने का यहाँ पर बहुत ही आसानी से ट्रिक बताई जाती है, और आप परीक्षा को
उस कुंड में झोंक दोगे और अपने जीवन को सफल बना लोगे। ठीक है, तो इस कुंड में आप जरूर आइए जिसका नाम है एग्जाम कुंड, और इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।